तारीख को जब शपथ ली और शपथ लेने के आधे घंटे बाद जब वो वल्लभ भवन पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि पिछली जो सरकार थी माननीय कमलनाथ जी की, कोरोना को लेकर पिछली सरकार ने एक भी तैयारी करके नहीं की। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अफसरों से पूछा कि इंदौर में 3 केस आ गए हैं, भोपाल में 1 केस आ गया है और उज्जैन में कुछ संदिग्ध केसेस हैं कोरोना के, सरकार कर क्या रही थी, तो अफसर कहते थे कि माननीय कमलनाथ जी आईफा की तैयारी में जुटे हुए थे। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी और हम इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, मुझे कहते हुए ये बुरा लगता है कि आईफा जैसे कार्यक्रमों को कराने में जुटी हुई थी। कोरोना से लड़ने के लिए एक पैसा पुरानी सरकार छोड़कर नहीं गई, लेकिन आईफा के नाम पर 700 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए थे। तारीख को जब शपथ ली और शपथ लेने के आधे घंटे बाद जब वो वल्लभ भवन पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि पिछली जो सरकार थी माननीय कमलनाथ जी की, कोरोना को लेकर पिछली सरकार ने एक भी तैयारी करकर नहीं की। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अफसरों से पूछा कि इंदौर में 3 केस आ गए हैं, भोपाल में 1 केस आ गया है और उज्जैन में कुछ संदिग्ध केसेस हैं कोरोना के, सरकार कर क्या रही थी, तो अफसर कहते थे कि माननीय कमलनाथ जी आईफा की तैयारी में जुटे हुए। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी और हम इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, मुझे कहते हुए ये बुरा लगता है कि आईफा जैसे कार्यक्रमों को कराने में जुटी हुई थी। कोरोना से लड़ने के लिए एक पैसा पुरानी सरकार छोड़कर नहीं गई, लेकिन आईफा के नाम पर 700 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए थे।